SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर के लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहर कुछ छात्रों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा दो छात्रों के साथ मारपीट की गई, जिन्हें गंभीर चोटें आने पर जिला चिकित्सालय लाया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खबर में। शहर में स्कूलों के बाहर हो रही घटनाओं और विवादों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने में जिम्मेदार नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज एक बार फिर शहर के ही एक स्कूल के बाहर कुछ छात्रों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस दौरान इस झगड़े ने मारपीट का रूप ले लिया। जिनके साथ मारपीट की गई, ये दोनों छात्र शहर के लाल बहादुर शास्त्री शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनके साथ स्कूल के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट की गई। जिनके साथ मारपीट हुई, इन छात्रों में एक का नाम हेमंत पाटीदार और दूसरे का नाम रामनिवास मालवीय है। इनका कहना है कि कुछ 5-7 लड़कों ने आकर इन पर हमला किया और इनके साथ मारपीट की, जिससे इन्हें गंभीर चोटें आईं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, क्या हो गया है? या आया ना वो बता। किन लोगों ने आपके साथ मारपीट करी? पता नहीं, हम तो खड़े थे स्कूल के बाहर, छुट्टी हुई ना, वो उनके झगड़ा चल रहा था। पता नहीं हमको मारने लग गए ऐसे। पता नहीं चला, मैं तो खड़ा दोस्तों से बात कर रहा था, पता नहीं एकदम मारने लग गए। पता नहीं कौन था, था पहले, पर उससे मतलब मेरे को पता नहीं चला एकदम किसने मारी। कैसे बचाया फिर वहाँ पे? दोस्त थे, इन्होंने बचाया। ये बीच में आए थे, थोड़ा झगड़ा हुआ। हमला किया आपको? पता नहीं चला। कितने लड़के थे मारने वाले? 5-7 छोरे थे। अच्छा, कितने लोग गए थे? हम 3-4 छोरे थे। क्या घटना हुई बेटा, बताइए। अरे हम स्कूल से आ रहे थे तो फ्रेंड को मार रहे थे, तो हम गए तो वहाँ पर उसको मार रहे थे, तो मैं गया बीच में, तो उन्होंने उसके हाथ में पंच था, तो उसने मार दिया। काय से मारा आपको? वो पंच था हाथ में, शायद पंच। काय का पंच था? लोहे का? हाँ, लोहे का। अच्छा, किस बात को लेकर मारपीट हुई? ऐसे ही वो स्कूल में हुई थी। क्या स्कूल में अनबन हुई होगी इनके बारे में? हाँ। लड़े हुई हो तो उसके बारे में। और क्या, किसने पिटवाया आपको? स्कूल के लड़कों ने। और क्या, कौन से लड़के? अब नाम तो क्या, भीड़ में तो पता नहीं चला। नहीं, विक्की भावसर वगैरह नहीं है कोई, है निखिल भाव सर, मतलब एक दो चार पांच लड़के हैं, मतलब स्कूल के, कंफर्म पता नहीं है कि वही होंगे। बाहर के लड़कों से पिटवाया कि? बाहर के लड़कों से पिटवाया। कितनी चोट लगी दोनों को? दोनों को सिर में लगी है, थोड़ी बहुत सिर में मारा ना उन्होंने, तो खून टाके वाके आए। कितनी देर तक पिटी हुई आप लोगों के? नहीं, ज़्यादा नहीं हुई, 4-5 मिनट तक, मतलब उन्होंने मारा, जैसे ही घेर लिया हमको तो किसी ने नहीं, मतलब लड़कों आगे थे सब, मतलब सब आगे थे, पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। तो वही इस मामले में स्कूल प्राचार्य पृथ्वीराज परमार व जांच अधिकारी उपेंद्र सिंह का कहना है कि ये दोनों घायल छात्र जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल से निकले और स्कूल के बाहर हो रही लड़ाई को देखते देखते इन पर भी मारपीट करने वाले लड़कों ने हमला कर दिया, जिससे इन्हें भी चोटें आई हैं।
ऐसे मार रहे क्या पकड़ पकड़ से गाड़ी चल रही थी वहां पे तुम क्यों गए रे दूसरे ने क्या फेरे जा रहे थे भैया उधर जाओ और जो है ये बालक है राम निवास पिता राम गोपाल मालवी उम्र 17 साल निवासी कयामपुर के पास स्थिल गांव के हैं और ये 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं उत्कृष्ट स्कूल में। और दूसरा है हेमंत पिता कन्हैया लाल पाटीदार उम्र जो है 17 साल ये भी 12वीं छात्र हैं और जो है स्कूल के बाहर बच्चों पर लड़ाई हो रही थी तो ये भी देखने लगे और इनके भी चोटें आ गई सिर में मारपीट हुई है और ये अस्पताल में आए इलाज कराने के लिए तो किसने मारा ये नहीं मालूम। सर स्कूली बच्चों पर जानलेवा हमला किया दो बाहर 4 से 5 लोगों ने बाहर के पंच वगैरह से हमला किया गया क्या कह रहे हैं? स्कूली बच्चों पे जो स्कूल की छुट्टी के पश्चात जो बाहर कोई भी झगड़ा हुआ है इस बात की जानकारी मुझे हुई है कि झगड़ा हुआ है लेकिन वो झगड़ा करने वाले कौन बच्चे थे इसकी जानकारी मुझे नहीं क्यों जो बाहरी तत्वों जो थे असामाजिक तत्वों के द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई है और कौन से बच्चे थे जो बाहर के थे जो आउटसाइडर थे उन्होंने बच्चों को पीटा इस बात की जानकारी मुझे मिली है और बच्चों की अगर कंप्लेन आएगी तो हम शिकायत करेंगे उसकी जाँच करवाएंगे। गौरतलब है कि ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं जिसका खामियाजा छात्रों और उनके पालकों को भुगतना पड़ता है। इसलिए स्कूल प्रशासन को चाहिए कि वे अपने स्कूलों के बाहर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल की तैनाती रखे और इस तरह की घटनाओं की भनक मिलते ही स्कूल में बच्चों को समझाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे शहर की आवाज़।